खबर सीमांचल के सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रूबरू हुए हैं और ये चर्चा का जो विषय है वो है एजुकेशन। सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है शिक्षण नियोजन में धांधली, और दूसरा मुद्दा है किशनगंज के नेहरू कॉलेज में पीजी कोर्स की पढ़ाई। तो इस मुद्दे पर अक्सर हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन चर्चा कर रहे हैं, आप भी करते ही होंगे। इस मुद्दे पर हम लोगों को थोड़ा सा मुखर होकर के बात करने की ज़रूरत है, इसलिए हम आज आपसे रूबरू हुए हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि पहले जो शिक्षक नियोजन हुए थे तो दूर दराज के लोगों को अपॉइंट कर लिया गया, और जिनको इस अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी थी या शिक्षक नियोजन में जो लोग थे नियोजन इकाई में, उन्होंने पैसे लेकर के बहुत लोगों का किया जो अपने ज़िले से बाहर के लोग थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो लोग अपने स्टेट के बाहर के लोग हैं उन लोगों का चयन हो रहा है। तो किशनगंज ज़िले में जहाँ पे लोग सरकारी जॉब के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पे इस तरह का होना ये बात समझ में नहीं आती है। कुछ लोग कहेंगे कि सरकार की पॉलिसी है तो इसलिए आने की इजाज़त है। हम ये कहेंगे कि सरकार को हम चुनते हैं, 106 रुपये लीटर पेट्रोल हम खरीदते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी हमारे प्रति बनती है, ना कि अदर स्टेट के लोगों के प्रति। यहाँ का जो सरप्लस होगा वो दूसरों को आप दीजिए। वैसे भी नेता लोगों को ये चाहत होती है कि आज वो पटना की राजनीति करे तो कल वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वो खुलेआम छोड़ रहे हैं ताकि दूसरी जगहों पर उनका पैड बन सके। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे घर के लोगों को रोज़गार मिले, उसके बाद किसी और को ये मौका मिले। किशनगंज के ठाकुरगंज पोठिया में इस मामले में धांधली हुई है, कोचाधामन बहादुरगंज डीगल बैंक में इस मामले को लेकर के लोग पहले से मुकर रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की शिकायत नहीं के बराबर है। बाकी 22 अनुमंडल का भी हाल उतना भी अच्छा नहीं है। तो आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहेंगे कि नियोजन को लेकर के पोठिया में जो रद्द हुआ है, सूची को जो रद्द किया गया है, उनमें कुछ मेरिटोरियस लोग थे, उनका तो होना ही चाहिए, लेकिन इनमें कुछ अधिकारियों और नेताओं और शिक्षक संघ के कुछ लोगों की मिलीभगत से ये कैंसिल हुआ है। तो इसको लेकर के हम लोगों को निगरानी रखने की ज़रूरत है, और जो लोग बाहरी लोग हैं उनको छोड़ करके पहले बिहार के लोगों को, अपने ज़िले के लोगों को तरजीह देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जॉब की ऑलरेडी क्राइसिस है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ के भी लोग बाहर जा कर के करते हैं, जब ओपन कंपटीशन होंगे बीपीएससी के थ्रू सब कुछ होगा तो मेरिट का आप इस्तेमाल कीजिए, कहीं पे भी आप कुछ भी अचीव कीजिए, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन यहाँ जब नियोजन हो रहा है और मार्क्स के आधार पर हो रहा है तो हम अपने लोगों को क्यों ना चूज़ करें। पहले जो लोग टीचर यहाँ अपॉइंट हुए, कुछ लोग दामाद भी बन गए, कुछ आपके ज़मीन पर अधिकार भी जमा रहे हैं, कुछ लोग आपको पटाने के लिए कबाब भी खिला रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि सीमांचल जो एक इंडिजिनस एरिया है, एक अलग जिनकी कल्चर है, सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वहाँ के लोग अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस मुद्दे पर आपको सोचना चाहिए। ये मेरी राय, मैं कोई रीजनलिज्म एक्टिविज्म की बात कर रहा हूँ, कोई भड़का नहीं रहा हूँ। कि आप अपने बारे में पहले सोचिए, उसके दूसरे के बारे में सोचेंगे। आप 70 साल पीछे चल रहे हैं, किसी ने आपके बारे में सोचा क्या? नहीं सोचा। आप खुद जागे, खुद अपने पैरों पर खड़ा हुए, तब जा कर के आज बराबरी की बात कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहेंगे, हमारे प्रतिनिधियों से कहेंगे, वो अधिकारियों से कहेंगे जो इस मामले में जिम्मेदार हैं, कि यहाँ पर ईमानदारी से सारी चीज़ें कीजिए। नहीं कीजिएगा तो फिर लगातार हम लोग इस पर रिट फाइल करते रहेंगे, और थोड़ी सी भी गलती या धांधली होगी तो इसका मतलब है कि आपकी इज्जत की वाट लग जाएगी। दूसरा मुद्दा हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी बिहार सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है कि हर एक ज़िले में पीजी कोर्स की पढ़ाई होगी। हम भी कई दिनों से पोस्ट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। मेरी चॉइस में नेहरू कॉलेज है, कुछ लोगों की चॉइस में मारवाड़ी कॉलेज हो सकता है, लेकिन मैं मारवाड़ी कॉलेज के विरोध में इसलिए हूँ कि किशनगंज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो वन साइड है, सदर अस्पताल वहीं पे है, इंजीनियरिंग कॉलेज वहीं पे है, नर्सिंग कॉलेज वहीं पे है, कौशल विकास के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वहीं पे है, डाइट कॉलेज वहीं पे है, सारी चीज़ें वहीं पे है, तो बाकी हिस्सों में क्या है? टेरागाज की लड़कियां किशनगंज आएंगी कैसे? दिगल बैंक की लड़कियां किशनगंज आएंगी कैसे?
ठाकुरगंज की लड़कियाँ किशन जाएंगी कैसे, इसलिए सेंटर पॉइंट पर होना चाहिए। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, जिस तरह से एएमयू के मुद्दे पर आप मुखर होकर के बोले थे, इसी तरह से पीजी कोर्स नेहरू कॉलेज में हो, इसको लेकर के आपको बिल्कुल मुखर होने की ज़रूरत है। जो भी साथी जहाँ पे भी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ज़रूर लिखिए, और कुंवारे साथियों से तो स्पेशल गुजारिश है कि आप ज़्यादा लिखिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियाँ हमारे इलाके में होंगी, तो फिर आप फिर और फैशन मारिएगा कि ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट से आपकी शादी हो रही है, शादियाँ हो रही है, बहुएँ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इससे तो इलाके को फ़ायदा होगा, सेंटर पॉइंट पर सब कुछ होगा, और जो गरीब बच्चे बच्चियां हैं वो भी पढ़ाई कर सकेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। इस मुद्दे पर अगर आप चुप हैं इसका मतलब है कि आप सिर्फ नेताओं के बूथ खर्च पर कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन जहां आपके भविष्य की बात हो, बेहतर कल की बात हो, तो आप उस पर चुप रहते हैं, छलका पर बोल सकते हैं, स्कूल पर नहीं बोल सकते हैं, ये चीज़ है। तो आप ज़रूर लिखिए, अभी हम आपसे सरसरी तौर पर बात किए हैं, आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये मुहिम बननी चाहिए और एग्रेसिवली बननी चाहिए कि किशन हेडक्वार्टर में अब हम लोग कोई भी स्कीम, कोई भी जो ऑफिसेज हैं वो बनने नहीं देंगे, वो बनेगा तो चाहे कोचाधाम में बने, बहादुरगंज में, दिगलबंग में, ठाकुरगंज में, या टेरागाज में बने, ये आपकी सोच होनी चाहिए, और इसको लेकर के आपको एक्टिव होना है और ऑनलाइन ऑफलाइन चर्चा करनी है। थैंक यू।